इस सहरसा की धरती से किसान गरीब मजदूर के बच्चे का बिहार टॉप 10 में स्थान पाना बहुत ही खुशी की बात है, खासकर इस संस्था के हम लोग आज बहुत खुश हैं कि हम लोगों ने जिस तरह से फोन पर से ना बहाया था आज तो आपके लिए इतने संसाधन भी जुट गए, लेकिन जब इनकी कक्षाएं होती थी तो वहां पर ना तो इस तरह की व्यवस्थाएं थी बैठने की, ना इतने पंखे लगे हुए रहते थे, खुले छत पर बैठकर के तैयारी होती थी, कक्षा में पसीना बहता रहता था, ये सभी पढ़ते रहते थे, हम लोग पसीना बहा के पढ़ाते रहते। शायद इन सबों के ऐसे सफलताओं से लगता है कि हम लोगों का वह खून और पसीना का सही अर्थ मिल गया। आज हम लोग बहुत खुश हैं। हम चाहते हैं कि इनके माता पिता को भी यहीं से दुआ दें, धन्यवाद दें कि आप यदि आपके सामने प्रमाण है आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके गाइडेंस भी आपके सामने मौजूद है और इसके परिणाम भी सामने मौजूद है, इसलिए आपको सही राह पकड़ कर आगे बढ़ना है और इस कोचिंग के स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था चाहते हैं कि शायद आज पूरा हो गया। आशाएं सजे हुए रहते थे हम लोग कि कब ये मुकाम मिले, कब यह दिन आए, लेकिन आज हम सबों ने मिलकर ये कर दिखाया कि सहरसा की जमीन पर से भी बच्चे बिहार टॉप 10 में जा सकते हैं, किसान का बच्चा भी जा सकता है, मजदूर का बच्चा भी जा सकता है। मैंने ये नहीं लगता है कि आपके पास पैसे कितने हैं, आपकी आर्थिक स्थिति कितनी कमजोर है, आपको दिशा निर्देशन देने वाले अगर अच्छे रहेंगे और आप में तमन्ना थोड़ी भी है पढ़ने की तो कोई आपको सफल होने से रोक नहीं सकता, इसीलिए आप भी भयभीत ना होए, सही दिशा को चुने, सफलता आज नहीं तो कल आपके कलम जरूर छोड़ेंगे।